वही ठीक है। तो क्या किया गया कि ग्रेटर ट्रेडिशंस को राइट लिटिल ट्रेडिशंस में खोजा गया और लिटिल ट्रेडिशंस को इंक्लूसिव बनाया गया। क्या इंक्लूसिव बना करके क्या किया, जैसे बेस्ट एग्जांपल हमको दिखता है पुरी में, कि पुरी में क्या किया गया कि जो मिला जो ट्राइबल ट्रेडिशंस था, जो लिटिल ट्रेडिशंस था, उसको आइडेंटिफाई किया गया ग्रेटर ट्रेडिशन में कि कौन है भाई, ये जगन्नाथ है, ठीक है, विष्णु के रूप है, ये जगन्नाथ है, बगल में सुभद्रा है और उसके बाद कौन है, बलराम। क्लियर, ये आइडेंटिफाई किया गया। फर्दर इफ यू कंपेयर फिगर 6.2 विद फिगर 4.26 चैप्टर 4, यू विल नोटिस दैट द डेटी इज रिप्रेजेंटेड इन अ वेरी डिफरेंट वे। अब यहां पे क्या है, डेटी जो आपको दिख रहा है वो लोकलाइज है, ये लोकलाइज डेटी है, कंटिन्यूज टू बी मेड ऑफ वुड बाय लोकल ट्राइबल स्पेशलिस्ट वॉज रिकग्नाइज एज अ फॉर्म ऑफ विष्णु। तो ये लोकल ट्रेडिशन में था, इसको रिकग्नाइज किया गया विष्णु के फॉर्म में, इजंट इट। एट द सेम टाइम विष्णु वॉज विजुअलाइज्ड इन अ वे दैट वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दैट इन अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। अब इस तरह का मूर्ति तो मिलता नहीं है, ये तो वुडन और ट्राइबल फॉर्म में दिख रहा है, लेकिन इसी को विजुअलाइज किया गया ग्रेटर ट्रेडिशन में कि हाँ भाई विष्णु का रूप है, isn't it? और such instances of integration are evident amongst goddess cult as well. अब goddess cult में भी दिखाया गया कि goddess cult में, cult means पंथ, एक particular way, एक group जो उसको कहेंगे cult, worship of the goddess often simply in the form of a stone smeared with ochre was evidently widespread. ochre क्या होता है, pigment, मिट्टी का ही pigment होता है, राइट हाँ, तो वो पिगमेंट है। वॉज एविडेंटली वाइड स्प्रेड, दीज लोकल डेटीज वर ऑफन इनकॉर्पोरेटेड विद द पुरानिक फ्रेमवर्क। तो ये जो डेटीज हम दिखा रहे हैं ये पुरानिक फ्रेमवर्क में है, क्लियर। और जो लोकल लोकलाइज फ्रेमवर्क है, जैसे वुडन है, राइट कोई इस तरह की मूर्ति है जो लोकलाइज मूर्ति है, तो उनको जब उनका आस्था बहुत बढ़ा, उसको देखा गया, उस ट्रेडिशन को ऑब्जर्व किया गया, तो उसको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया अपने मतलब ग्रेटर ट्रेडिशन में, फाइन, विथ एन आइडेंटिटी एज अ वाइफ ऑफ द प्रिंसिपल मेल डेटीज। और जो गॉडेस कल्ट को प्रिंसिपल मेल डेटी दो थे, विष्णु और शिव, या तो लक्ष्मी या पार्वती, इन रूपों में इनको एक्सेप्ट कर लिया गया। वर इक्वेटेड विथ लक्ष्मी द वाइफ ऑफ विष्णु, इन अदर इंस्टेंसेज विथ पार्वती द वाइफ ऑफ शिवा। क्लियर, तो इस तरह से गॉडेस कल्ट में भी हमको यही मिलता है। नाउ डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, वी फाइंड डिफरेंसेज एंड कॉन्फ्लिक्ट। यहां पे स्कल्पचर देखते हैं। सो स्कल्पचर ऑफ अ बुद्धिस्ट गॉडेस मारिची सिर्का 10th सेंचुरी बिहार, एन एग्जाम्पल ऑफ द प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। तो यहां पे हमको ये दिख रहा है ये मूर्ति, तो डिफरेंट रिलीजियस बिलीफ और प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट किया गया। मान लीजिए कि गॉडेस है और इसको रिप्रेजेंट किया गया इस तरह से मरीची के फॉर्म में, फाइन। नाउ डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ऑफन एसोसिएटेड विद गॉडेस वर फॉर्म्स ऑफ वर्शिप दैट वर क्लासिफाइड एज तांत्रिक। क्लियर, तो अलग अलग जो प्रैक्टिसेस लोकलाइज प्रैक्टिसेस थे, तांत्रिक विद्या, तंत्र विद्या, उनको इनकॉर्पोरेट किया गया यहां पे। क्लियर, इन सेवरल तांत्रिक प्रैक्टिसेस वर वाइडस्प्रेड इन सेवरल पार्ट्स। तांत्रिक का मतलब हुआ कि जैसे तंत्र, सम सुपरनैचुरल पावर्स, ठीक है, हाँ, तो गॉडेस की पूजा, तो जो सुपर नेचुरल उसको, उस जो ट्रेडिशंस है उसको इंक्लूड कर लिया गया, कहा कि गॉडेस की पूजा और वो शक्ति को गॉडेस दिखाया गया, राइट, जो वो सिंपल जो रिचुअल्स हैं उनको इंक्लूड किया गया यहां पे। दे वर ओपन टू विमेन एंड मेन एंड प्रैक्टिशनर्स ऑफन इग्नोर्ड डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड क्लास विद इन द रिचुअल कॉन्टेक्स्ट। जैसे पहले पुरानिक ट्रेडिशन में होता था, तो पुरानिक ट्रेडिशंस में क्या था कि रिचुअल सब नहीं परफॉर्म करेंगे, शूद्र तो बिल्कुल नहीं परफॉर्म करेंगे, विमेन सारा रिचुअल्स नहीं परफॉर्म करती थी, लेकिन अब जो
इंप्रूवमेंट हो रहा था रिलीजन में, वो इंप्रूवमेंट ये था कि सबको धीरे धीरे क्या किया जा रहा था, इनकॉर्पोरेट किया जा रहा था कि आप कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ तरह का रिचुअल मना रहे हैं, तो चीजों को लोकलाइज और ग्रेटर ग्रेटर ट्रेडिशन दोनों का एमलगमेशन हो रहा था, दोनों को मिला करके कोई इसको और बड़ा बनाया जा रहा था, क्लियर। और इजी, क्योंकि बुद्धिज्म जब आया तो चीजों को इजी किया, बड़े बड़े सेरेमनीज की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि जो पुरानिक ट्रेडिशन और वैदिक ट्रेडिशन में था कि आपको क्या था कि बड़े बड़े रिचुअल्स करने हैं, यज्ञ करने हैं, तो लोकल पीपल तो नहीं कर सकते थे, जो आम जनता थी वो कर नहीं सकती थी, वो एक्सक्लूडेड भी थी, एक तो एक्सक्लूडेड भी थी वैदिक ट्रेडिशन में। लेकिन अब क्या होने लगा कि नहीं, सबको इनकॉर्पोरेट करना है, तब इसको कॉम्प्रिहेंसिव बनाया जा सकता है, क्लियर। और धीरे धीरे कॉम्प्रिहेंसिव बनाया गया। क्लासेस विद इन द रिचुअल कॉन्टेक्स्ट, मेनी ऑफ दीज आइडियाज इन्फ्लुएंस शैविज्म एज वेल एज बुद्धिज्म, स्पेशली इन द ईस्टर्न, नदर्न एंड सदर्न पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, साउथ में भी, नदर्न में भी, और ईस्टर्न ईस्टर्न ट्रेडिशनल और ट्राइबल जो रिचुअल्स था, इन सबको इनकॉर्पोरेट किया गया। कास्ट और क्लास को ना साइडलाइन किया गया कि नहीं, अब सब कोई करें, तो बुद्धिज्म को भी का यहां पे दिख रहा है, और हमारा गॉडेस की पूजा, हाँ क्या, शिव की पूजा जो शैविज्म, वो पंथ जो शिव को मानते हैं उसको शैविज्म। तो शैविज्म और वैष्णविज्म दो पंथ आया, ठीक है, जो शिव के उपासक हुए वो शैविज्म कहलाए, जो विष्णु के उपासक हुए वो वैष्णविज्म, ठीक है। ऑल ऑफ दीज समवॉट डाइवर्जेंट एंड इवन डिस्पेरेट बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस वुड कम टू बी क्लासिफाइड एज हिंदू ओवर द कोर्स ऑफ द नेक्स्ट मिलेनियम। तो अगले मिलेनियम तक क्या हुआ, इन सारे प्रैक्टिसेस को, इन सारे कोर्स को क्या कहा गया, हिंदू, क्लियर। मतलब ट्राइबल्स को तो पता नहीं था कि वो कौन सा धर्म मना रहे हैं, या कोई रिचुअल्स, कोई पेड़ की पूजा कर रहा है, कोई नेचर वर्शिप कर रहा है, तो इन सब प्रैक्टिसेस को इनकॉर्पोरेट किया गया और कहा गया कि भाई हिंदू है, इजंट इट। पहले क्या लिमिटेशंस था कि ब्राह्मण्स कर रहे हैं रिचुअल्स, क्षत्रिय कर रहे हैं रिचुअल्स, बाद में वैश्य थोड़ा करने लगे, बट एक्सक्लूडेड तो सब थे, क्लियर। और जो विमेन थी वो एक्सक्लूडेड थी, और शूद्र तो बिल्कुल एक्सक्लूडेड थे, वेद तो पढ़ ही नहीं सकते थे। लेकिन अब कहा कि पूजा की पद्धति में और जो भी वर्शिप होगा, तो कास्ट और क्लास को इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, क्लियर, अपने अंदर ले लिया गया। द डाइवर्जेंस, तो ये डाइवर्सिफाई हुआ, डाइवर्जेंट हुआ। पहले क्या था कि एक जगह कन्वर्जेंट था, मतलब कन्वर्जेंट जो एक पॉइंट पे मिले। तो अब क्या है कि अगर आप उपासना पद्धति में जाएंगे, पूजा पद्धति में जाएंगे, तो बिल्कुल एक वैदिक अवधारणा है उनको मानना पड़ेगा, तो बड़े बड़े रिचुअल्स तो सब कर नहीं सकते थे। तो यहां पे क्या हुआ, ये डाइवर्ज किया, डाइवर्जेंट हुआ, क्लियर। डाइवर्जेंस इज परहैप्स मोस्ट स्टार्क इफ वी कंपेयर वैदिक एंड पुरानिक ट्रेडिशंस। जब कंपेयर करते हैं तुमको दिख जाता है, तो अब क्या है, यहां पे क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। द प्रिंसिपल डेटीज ऑफ द वैदिक पैंथियन, वैदिक कल्चर में जो मुख्य देवता थे, ठीक है, वो कौन थे, अग्नि, इंद्र, सोम, बिकम मार्जिनल फिगर्स। अब ये क्या हुए, ये साइडलाइन हुए, ये हाशिए पर आ गए, मतलब कम, अब ये जो कल्ट निकला, अब ज्यादा क्या हो गया, शिव की पूजा, विष्णु की पूजा, क्लियर, वो बहुत बड़ा कल्ट निकला, क्लियर। क्या, सोम, सोम अमृत को ही कहते हैं, ठीक है। तो जब कहा गया कि समुद्र मंथन हुआ, तो सोम निकला, मतलब पवित्र जल, और पवित्र जल या मतलब अमृत, ठीक है, तो हाँ उसी सोम रस कहते, तो सोम इसका कॉन्सेप्ट है, राइट। तो अमृत का कॉन्सेप्ट है, मतलब सारा क्या है, देखिए, अग्नि, इंद्र, सोम बिकम मार्जिनल फिगर्स, तो ये सारे जो हुए मार्जिनल हुए, क्लियर, इंपॉर्टेंट फिगर्स थे, और यही इनकी पूजा होती थी। क्या मिलता है, इंद्र के लिए श्लोक मिलता है, सोम के लिए मिलता है, और अग्नि के लिए मिलता है। पर इस ट्रेडिशन में आया कि एक्सपैंड हुआ, अब ये मार्जिन पे आ गए, क्लियर, मार्जिनल हुए, हाशिए पे आए,
रेयरली विजिबल इन टेक्सुअल और विजुअल रिप्रेजेंटेशन, बहुत ज्यादा मिलता नहीं है. इंद्र के लिए, सोम के लिए, अग्नि के लिए, अब ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो गया, विष्णु एंड शिव. शिव, वाइल वी कैन कैच अ ग्लिम्स ऑफ विष्णु, शिवा एंड द गॉडेस इन वैदिक मंत्रास, दीज हैव लिटिल इन कॉमन विद द इलैबोरेट पुरानिक मिथोलॉजीज. तो इन सब के लिए मिलता है वेद में, लेकिन लिमिटेड, राइट. अब बाद में क्या हुआ कि ये लोग प्रोमिनेंट बन गए, विष्णु शिव बिल्कुल प्रोमिनेंट, और शक्ति की पूजा मींस गॉडेस की. क्या एंड द गॉडेस इन वैदिक मंत्रा, दीज हैव लिटिल इन कॉमन विद द एलैबोरेट पुरानिक मिथोलॉजीज. However, in spite of these obvious discrepancies, the Vedas continued to be revered as authoritative. तो ऐसा नहीं कि वेद खत्म हुआ, वेद एक तरह से अथॉरिटेटिव रहा, उसकी अथॉरिटी रही, लेकिन अलग ट्रेडिशंस और इमर्ज होता चला गया. क्लियर? वेद की अथॉरिटी रही. Not surprisingly, there was sometimes conflict as well. Those who valued the Vedic tradition often condemned practices that went beyond the closely regulated contact with the divine through the performance of sacrifices or precisely chanted mantras. On the other hand, those engaged in tantric practices, अब यहाँ पे देखते हैं कि इनमें conflict भी हुआ, ठीक है. Conflict क्या कि जिन्होंने Vedic tradition को value दिया, वो बाकी जो practices थे, बाकी जो rituals जो करने लगे, उनके practices को condemn किया, oppose किया, मतलब बाकी ये गलत है, जो है वैदिक ट्रेडिशन है, ये मिलता है. और परफॉर्मेंस ऑफ सैक्रिफाइसेस और प्रिसाइजली चैंटेड मंत्रास, कि अब क्या होने लगा, जो सैक्रिफाइसेस हो रहा है, जैसे जो बलि हो रहा है, और प्रिसाइजली चैंटेड मंत्रास, कि मंत्रा को क्या किया गया, इजी बनाया गया, जो पहले इलैबोरेट था, सब तो नहीं कर सकते थे, संस्कृत का ज्ञान भी नहीं था, तो इलैबोरेट था, व्यापक था, तो मतलब उस उपासना पद्धति में और पूजा पद्धति में सबको इंक्लूसिव नहीं बनाया जा सकता था. लेकिन जब आम जनता के लिए भी वो क्या किया गया, मंत्रों को छोटा किया गया, प्रिसाइज हुआ, क्या, और इससे क्या हुआ, इंक्लूसिविटी बढ़ गया. हाँ बोलिए. वही सुपर नेचुरल प्रैक्टिसेस की सैक्रिफाइसेस और अलग जो डिफरेंट प्रैक्टिसेस लोग करने लगे, कि जो डेड के लिए, सोल के लिए, तो वो सारा तांत्रिक प्रैक्टिसेस कहलाया. तो इसी चीज का है अभी वो, वही वो क्या हो गया, विकृत हो गया आज, राइट. तो उस टाइम में जो इंक्लूजन था, वही इस जो गॉडेस का की जो पूजा होती थी, दैट इज ट्रू, गॉडेस की जो पूजा होती थी, कि हाँ भाई एक पर्टिकुलर जो डिफरेंट वेज था उनके पूजा करने का, दैट वाज तांत्रिक. क्लियर? हाँ, इस आज के टाइम में वो और ज्यादा इलैबोरेट होके भाई सुपरनैचुरल हो गया. पर यहाँ पे जैसे काली की पूजा करते हैं, तो शक्ति पूजा जो हो गई, तो ये शक्ति पूजा ही यहाँ पे तांत्रिक ट्रेडिशंस था, ठीक है. इसी को कंसिडर करते हैं कि एंड दोज एंगेज इन तांत्रिक प्रैक्टिसेस फ्रीक्वेंटली इग्नोर्ड द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, वो वेदास की अथॉरिटी को नहीं मानते थे जो इनके ट्रेडिशंस में. ऑल्सो डिवोटीज ऑफन टेंडेड टू प्रोजेक्ट देयर चोजन डेइटी, जहां भी शक्ति की पूजा होती है तो वो तांत्रिक ट्रेडिशंस में आता है. क्लियर? तो अब उसका फॉर्मेट जो है वो धीरे 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 जैसे आज विकृत हो गया, वो बात कर रहे हैं, लेकिन शक्ति की पूजा जहां पे आ गई, जैसे काली पूजा हो गई, या शक्ति, राइट, पावर, और वो मातृ पूजा ही होते हैं. हाँ बोलिए. आज के टाइम में, और ये क्या लोकल ट्रेडिशंस अलग अलग डेवलप कर रहा है. क्लियर? एक हो गया वैदिक पद्धति जो बड़े बड़े मंत्रों, यज्ञ, इन सब से रिलेटेड था, और जो बाकी ट्रेडिशंस जो लोकल ट्रेडिशंस डेवलप कर रहे थे, हम पूजा कर रहे हैं किसी तरह से, हम किसी तरह की मान्यता को लेकर चल रहे हैं, हम ऐसे ही, मेरी आस्था है, हम मान लीजिए जल दे रहे हैं सूर्य को. क्लियर? तो इस तरह की जो छोटे छोटे प्रैक्टिसेस थे, राइट, तो यहां पे वैदिक ट्रेडिशंस वालों ने कहा कि इसको कंडेम किया कि ये कैसे हो सकता है, दिस इज नॉट राइट. वो आज हो गए, हाँ वो एक्सपैंड हो गया.
जिंदा कहाँ होता है, कहाँ होता है, मतलब इस तरह का जो मतलब बिलीफ स्प्रेड करना, क्या तो ये जिंदा होता नहीं है या कुछ, ये सब अलग चीज है। सिंपली हम लोग बात करें कि हाँ जो ट्रेडिशंस है, ट्रेडिशंस का इनकॉर्पोरेशन हुआ, इसको इंक्लूड किया गया, क्या। फ्रीक्वेंटली इग्नोर द अथॉरिटी ऑफ द वेदास, ऑल्सो डिवोटीज ऑफन टेंडेड टू प्रोजेक्ट देयर चोजन डेटी। अब क्या करने लगे, जो भी डिवोटीज हैं, अब किसी को मान लिया, किसी को मान लिया कि हाँ भाई ये एक रूप है और इसकी हम पूजा करेंगे, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डेटी वह विष्णु और शिवा एज सुप्रीम। अब इसी का अलग अलग फॉर्मेट, जिसमें विष्णु के फॉर्मेट हमको मिलते हैं, शिवा क्या जो आदि आदि पुरुष और शिव रिलेशन मींस जो इटर्नल, जो शुरू में हमको हड़प्पा कालीन सभ्यता में भी मिलता है, तो वो क्या मिलता है, शिव के रूप मिलते हैं, इजंट इट। तो इस चीज को क्या किया गया, प्रोजेक्ट किया गया, या तो विष्णु या शिव, ये दो इंपॉर्टेंट हुए। रिलेशंस विद अदर ट्रेडिशंस सच एज बुद्धिज्म और जैनिज्म वर आल्सो ऑफन फ्रॉट विद टेंशन इज नॉट ओपन कॉन्फ्लिक्ट। अब इन्होंने जो प्रैक्टिस शुरू कर दिया, यहां पे भी क्या हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, लेकिन बाद में क्या किया गया, इनको इनकॉर्पोरेट कर लिया गया, बाद में कहा गया चलो सब ठीक है, ये भी इन्होंने भी, ये भी क्या है, अवतार है विष्णु के, क्लियर। द ट्रेडिशंस ऑफ डिवोशन और भक्ति नीड टू बी लोकेटेड विद इन दिस कॉन्टेक्स्ट। डिवोशनल वर्शिप हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ ऑलमोस्ट 1000 ईयर्स बिफोर द पीरियड वी आर कंसिडरिंग। तो ये ऐसा नहीं है कि इस, हम बात कर रहे हैं इस पीरियड में कि 6th सेंचुरी के बाद से ये चेंजेस आना शुरू हुआ, इससे पहले भी लोकलाइज होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, इसका इनकॉर्पोरेशन हो रहा है, इसका स्प्रेड हो रहा है, क्लियर। ड्यूरिंग दिस टाइम एक्सप्रेशन ऑफ डिवोशन रेंज फ्रॉम द रूटीन वर्शिप ऑफ डेटीज विद इन टेम्पल्स टू एक्सटैटिक एडोरेशन वेयर डिवोटीज अटेंड अ ट्रांस लाइक स्टेट। ठीक है, ट्रांस मतलब कि आप उसमें डूब गए, आपका मस्तिष्क पूरी तरह से ट्रांस में है, क्लियर। तो पहले क्या था, पहले जो पूजा पद्धति थी कि यहां पे मंदिर में होगा, अलग अलग आह्वान होगा, यज्ञ होगा, ये सब होता है। अब क्या हो गया कि हाँ एक को मान लिया कि हाँ ईश्वर है, अब ईश्वर में आप पूरी तरह उसको एडोर कर रहे हैं, उसको लाइक कर रहे हैं, और उसके बाद अपने आप को उसमें पूरा का पूरा मिला लिया, मतलब उसमें डूब गए, ये चीज होने लगा, अटेंड अ ट्रांस लाइक स्टेट। और होता क्या था, सिंगिंग एंड चैंटिंग ऑफ डिवोशनल कंपोजिशंस वाज ऑफन अ पार्ट ऑफ सच मोड्स ऑफ वर्शिप। और इसमें क्या होता था कि डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, गीत प्रेयर्स, इस तरह के भजन बने, और इसमें लोग अपने आप में डूब गए। तो इसके लिए कोई बड़ा रिचुअल नहीं करना पड़ता था, अपने घर में, अपने घर के कंफर्ट में लोग ये कर सकते थे। तो ये चीजें एक तरह से आसान हुई और रिलीजन ज्यादा स्प्रेड हुआ, क्लियर। हाँ बोलिए, क्लियर। दिस वॉज पर्टिकुलरली ट्रू ऑफ द वैष्णवा एंड शैव सेक्ट, इन दोनों सेक्ट, इन दोनों संप्रदाय के लिए ये काफी ट्रू हुआ, क्लियर। पोएम्स ऑफ प्रेयर, पोएम्स ऑफ प्रेयर अर्ली ट्रेडिशंस ऑफ भक्ति। जैनिज्म बुद्धिज्म लगभग एक टाइम में हुआ, पढ़ा आपने। अब जो वैदिक ट्रेडिशंस वाले वो कॉन्फ्लिक्ट करेंगे ना कि ये नई चीज आ गई, ये हमारे प्रैक्टिसेस को अलग जा रहा है, तो सबको बाद में इंक्लूसिव बना दिया गया। कॉन्फ्लिक्ट उस चीज का था, प्रैक्टिसेस का। ये कह रहे हैं कि वेद अथॉरिटेटिव है, तो वेद इंपॉर्टेंट है, तो वेद के अंदर इस तरह से होना चाहिए, ये लोग अपने मन से कर रहे हैं तो ये गलत है। शूद्र को अधिकार नहीं है वो कर रहे हैं, महिलाओं को नहीं करना है वो कर रही हैं। तो इन ये जो ये कॉन्फ्लिक्ट था, पर यहाँ पे बुद्धिज्म ने रिफॉर्म किया, जैनिज्म और बुद्धिज्म ने इसको रिफॉर्म किया, और बुद्धिज्म स्पेशली क्या किया, सिंप्लीफाई किया चीजों को, कि ऐसा नहीं है कि इतना। तो पहले तो आप जो छोटे क्लास के थे वो पहले ही अपने आप को एक्सक्लूड कर लेते थे कि हमसे तो हम तो इसमें आते ही नहीं है, हम तो इस यज्ञ अनुष्ठान तो कर नहीं पाएंगे, बड़े बड़े सेरेमनीज तो हम कर नहीं सकते हैं, तो अपने आप को एक्सक्लूड कर दिया। लेकिन इस ट्रेडिशन में, भक्ति सूफी में क्या हो गया कि हम कर सकते हैं, आम जनता कर सकती है, क्लियर।
यहाँ पे देखते हैं, इन द कोर्स ऑफ द एवोल्यूशन ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ वर्शिप इन मेनी इंस्टेंसेस पोएट सेंट्स इमर्ज एज लीडर्स अराउंड हुम दे आर डेवलप्ड अ कम्युनिटी ऑफ डिवोटीज. तो जो कवि सेंट हुए, जो पोएट सेंट हुए, अब उनके अराउंड बहुत सारे डिवोटीज और की कम्युनिटी बनी. फर्दर वाइल ब्राह्मणास रिमेन्ड इंपॉर्टेंट इंटरमीडियरीज बिटवीन गॉड्स एंड डिवोटीज इन सेवरल फॉर्म्स ऑफ भक्ति दीज ट्रेडिशंस ऑल्सो एकोमोडेटेड एंड एक्नॉलेज विमेन एंड द लोअर कास्ट कैटेगरीज कंसिडर्ड इनएलिजिबल फॉर लिबरेशन विद इन द ऑर्थोडॉक्स ब्रह्मानिकल फ्रेमवर्क. जो ऑर्थोडॉक्स ब्रह्मानिकल फ्रेमवर्क में जो एक्सक्लूडेड थे, जो बाहर थे, उनको इंक्लूड किया गया. हालांकि जैसे ब्राह्मण क्या होते थे, भगवान और भक्तों के बीच में एक इंटरमीडियरी का काम करते थे, ठीक है, एक मध्यस्थ, आज भी करते हैं, क्लियर. तो एक मध्यस्थ का काम करते हैं, लेकिन इसमें क्या हुआ कि बाकी लोगों को भी इंक्लूड कर लिया गया. जो लोग एक्सक्लूडेड थे वो इंक्लूडेड हुए, क्लियर. What also characterized traditions of bhakti was a remarkable diversity. So it included diversity. पहले diverse नहीं था, limited था, यही group करेगा, ऐसे ही लोग करेंगे, सब नहीं करेंगे, लेकिन अब सबको include किया गया. At a different level, historians of religion often classify bhakti traditions into two broad categories, sagun with attributes and nirgun without attributes. ठीक है, attributes का मतलब features. ठीक है, तो अब इसमें भी दो भक्ति बनी, एक बनी कि सगुन भक्ति, सगुन भक्ति की धारा और निर्गुण भक्ति की धारा. सगुन भक्ति कहने का मतलब जब मूर्ति पूजा, आपने एक आकार दिया, एट्रीब्यूट्स दिया, एट्रीब्यूट दिया मतलब आकार दिया. तो मीरा के कृष्ण, राधा के कृष्ण, आकार दिया, क्लियर. और निराकार वो हुआ जिसकी कोई मूर्ति नहीं है, कोई एट्रीब्यूट नहीं है, जो परम ब्रह्म है उसकी हम पूजा कर रहे हैं, क्लियर. मतलब निराकार है, ईश्वर एक है, निराकार है, कोई अलग अलग रूप नहीं है, क्लियर. वो क्या हो गया, निर्गुण भक्ति, और ये क्या हो गया, सगुण. सगुण विथ एट्रीब्यूट्स एंड निर्गुण इज विदाउट एट्रीब्यूट्स, कोई एट्रीब्यूट नहीं है, क्लियर. एट्रीब्यूट का मतलब फीचर्स, हाथ है, पैर है, आंख है, नाक है, सो दीज आर एट्रीब्यूट्स. द फॉर्मर इंक्लूडेड ट्रेडिशंस दैट फोकस्ड ऑन द वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डेइटीज such as Shiva, Vishnu and his avatars, incarnation and the forms of goddess or devi. आज भी हम देखते हैं सबसे ज्यादा क्या, शिव की पूजा, विष्णु की, विष्णु के के विभिन्न अवतारों की पूजा और देवी की पूजा, right? Goddess different format में यही पूजा करते हैं. All often conceptualized in anthropomorphic forms. तो अलग अलग फॉर्म्स में, राइट. एंथ्रोमॉर्फिक मींस मानव के विभिन्न रूपों में, राइट. एंथ्रोमॉर्फिक मींस मॉर्फ करके अलग अलग रूप में क्या हुआ, उनको पूजा किया गया, क्लियर. जैसे कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, बजरंग बली के रूप में, तो ये सारा एंथ्रोमॉर्फिक फॉर्म्स हो गया. निर्गुणा भक्ति ऑन द अदर हैंड वॉज वर्शिप ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड. एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, फीलिंग, राइट. तो एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म कोई आकार नहीं है, इनटैंजिबल, सिंपली इनटैंजिबल जो है, निराकार है, उसकी पूजा. गॉट इट. अब इसमें दो ग्रुप आए, विष्णु के लिए और शिव के लिए. सदर्न इंडिया में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि दो ग्रुप है, अलवाज एंड नायनाज. जो विष्णु के उपासक हुए, विष्णु भगवान के, वो क्या कहलाए, अलवार्स. और शिव के वो क्या कहलाए, नायनार्स, राइट. सम ऑफ द अर्लिएस्ट भक्ति मूवमेंट सिर्का 6th सेंचुरी वर लेड बाय द अलवार्स, लिटरली दोज हु आर इमर्स्ड इन डिवोशन टू विष्णु, एंड नायनार्स लिटरली लीडर्स हु वर डिवोटीज ऑफ शिव. क्लियर. जो विष्णु के डिवोटीज हैं, जिन्होंने अपने आप को डुबा लिया है, इमर्स कर लिया है, कंप्लीटली डिवोटेड है विष्णु में, वो कहलाए अलवाज. और जो शिव में डिवोटेड हैं जो लीडर्स, तो वो क्या कहलाए, नायनार्स. क्लियर. दे ट्रेवल्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हिम्स इन तमिल इन प्रेज ऑफ देयर गॉड. तो इनका जो पैटर्न था बहुत सिंपल था, आम जनता को कनेक्ट कर सकता था, इसलिए
क्योंकि हर जगह ये घूम घूम के क्या करते थे, सिंग करते थे हिम्स, प्रेयर्स. हिम्स क्या हो गया, प्रेयर्स ही हो गया. तो प्रेयर्स इन प्रेज ऑफ गॉड, राइट. और हर जगह ये भक्ति. तो जब गीत कोई होता है, गीत संगीत, तो हर कोई गुनगुनाना शुरू कर देता है. तो इस तरह की भक्ति बहुत आसान और किसी को रोका नहीं. अब जहां पे मंत्रोच्चारण होता था संस्कृत का, लोग इतने संस्कृत नहीं जानते थे, राइट. और संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण हर कोई नहीं कर सकता था. लेकिन साधारण तमिल में जो लोकलाइज लैंग्वेज था, जो लोकलाइज भाषा था, उसमें अलग अलग गीतों और संगीतों का प्रयोग किया गया, वो भी मंत्रों के फॉर्मेट में नहीं, बिल्कुल सरल संगीतों, संगीत के रूप में. तो बहुत आसान था, संगीत के रूप में है, हर कोई के टंग टिप पे बैठ गया. कोई भी आप भी गाना सुनते हैं तो तुरंत क्या हो जाता है, आपके टंग टिप पे बैठ जाता है. अगर वो कैची है, हिम है, तो उसी तरह वो भी बैठ जाता था, भजन बैठ गया, बहुत सारा भजन, क्लियर. तो और लोकलाइज लैंग्वेज में था तो इट वॉज ईजी. तो ये लिमिटेशन में नहीं था कि आपको संस्कृत जान रहे हैं तब आप इसको कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे. लेकिन यहां पे ये बहुत आसान हो गया, क्लियर. नाउ फर्दर ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स द अलवार्स एंड नायनास आइडेंटिफाइड सर्टेन श्राइन्स एज अबोड्स ऑफ देयर चोजन डेटीज. कि ये जो है हमारे डेटी का घर है, राइट. यहां पे जैसे बाद में चार धाम बना, तो ये सारा पिलग्रिमेज बन गया कि यहाँ ये तीर्थ स्थान है, ये इनका घर है. वेरी ऑफन लार्ज टेम्पल्स वर लेटर बिल्ट एट दीज सेक्रेट प्लेसेस. और वहां पे बड़े बड़े मंदिर बने. दीज डिवेलप्ड एज सेंटर्स ऑफ पिलग्रिमेज. पिलग्रिमेज क्या होता है, कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके किसी खास स्थान पे जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, तीर्थ. ठीक है, बोलिए क्या. ड्यूरिंग देयर ट्रेवल्स अलवर्स और नायनास का, जो अलवाज और नायनाज हैं, तो ये क्या करते हैं, घूम घूम करके क्या करते थे, सिंग करते थे, हिम्स गाते थे, जिससे क्या हुआ, प्रसार होता था धर्म का. ठीक है, और इजी हुआ लोगों के लिए. और इन्होंने कुछ कुछ प्लेसेस को सेक्रेट प्लेसेस घोषित किया, कहा कि दीज आर सेक्रेट प्लेसेस एंड दीज आर अबोर्ड ऑफ देयर डीटीज. तो अबोर्ड मतलब उनका घर है, यहां पर जो जो आएंगे ये एक तीर्थ बन गया, क्लियर. Singing compositions of these poet saints became part of temple rituals in these shrines, as did worship of the saints' images. और इन जगह पे जो संत हुए उनके images की भी पूजा होने लगी, और ईश्वर की तो पूजा होती ही थी, क्लियर. और ये tradition बन गया कि अब क्या होगा, मंदिरों में भजन कीर्तन होगा, क्लियर, भजन होगा. और क्या होता था, देवदासीज की भी परंपरा थी, कि देवदासी कौन होते थे, जो सिंगिंग डांसिंग करेंगे मंदिर में, ठीक है, कोई रिचुअल्स में. तो इस तरह की भी परंपरा थी जो अलग अलग रूलर्स में, स्पेशली चोल डायनास्टी में, चोला डायनास्टी में वी फाइंड, क्लियर है. एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट, यहां पे ये देख लेते हैं सोर्स. सो वर्स इन द Four Vedas and the outcast. This is an excerpt from a composition of an alwar named Tondari Dipodi, right? तो इनका एक composition excerpt है, और इस excerpt में, और ये कौन है, अलवार है. तो Tondari Dipodi, who was a Brahman, you Vishnu manifestly like those servants who express their love for your feet. कि विष्णु भगवान आप जो हैं उनको लाइक करते हैं जो आपके चरण को मानता है, प्यार करता है. दो दे में भी बॉर्न आउटकास्ट, वेद के हिसाब से, या जो पैदा हुए हैं, जो आउटकास्ट हैं, जो मुख्य जाति में नहीं है, उनको भी, दो दे में भी बॉर्न आउटकास्ट मोर देन द चतुर्वेदींस. ठीक है, जो चारों वेदों से आउटकास्ट हैं, हु आर स्ट्रेंजर्स and without allegiance to your service. जो strangers हैं, लेकिन आप उनको मानते हो जो आपके चरणों की पूजा करते हैं और उससे प्रेम करते हैं, चाहे outcast भी क्यों ना हो. तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ, inclusion हुआ, यहाँ पे inclusion हुआ लोगों का, कि हाँ ईश्वर की पूजा हम भी कर सकते हैं. और यहाँ पे he is a alwar brahman. हाँ बोलिए क्या.
जो शूद्र हुए, ठीक है। ये चारों वेद में जो मेंशन किया गया कि शूद्र हैं, जो अनटचेबल्स हैं, चंडाल हैं, तो ये सारे लोगों को क्या किया गया, ये कहा गया कि भाई आप सब जो भी भगवान के चरण की पूजा करें, हर किसी को चरण की पूजा करने का अधिकार है। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि चारों वेदों से वो आउटकास्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या चारों वेदों के हिसाब से जो आउटकास्ट हैं, ये वर्ण की बात नहीं कर रहे हैं हम, ये वेद की बात कर रहे हैं। गॉट इट? देयर इज अ डिफरेंस। आउटकास्ट किसको कहते हैं? जैसे ये पूरा का पूरा ग्रुप है, ठीक है, आपको अलग से बिठा दिया गया तो आप आउटकास्ट कहलाइएगा। कुछ लोगों को अलग कर दिया गया, जी वो इन, हाँ ब्राह्मण क्षत्रिय, बिल्कुल, ये हम लोग चतुर्वेद की बात कर रहे हैं जो पूजा करने के लिए थे, बाकी लोग थे, हम वर्ण की बात नहीं कर रहे हैं, वर्ण की बात नहीं कर रहे हैं। यहां पे आप कंफ्यूज ये मत होइएगा, यहां पे हम वर्ण की बात कर, चतुर्वेदी हु आर स्ट्रेंजर्स एंड विदाउट एलिजियंस टू योर सर्विस, जो आपके सर्विस से अटैच नहीं है, वो सबको अधिकार है, यही कहा गया। मतलब चारों वेदों से जिनको आउटकास्ट किया गया है, जो बाहर है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, तो आउटकास्ट किया गया है, वो भी चरण की पूजा करें, भगवान सबको मानते हैं, ये कहा गया। क्लियर? जिनको बाहर किया गया, जो अनटचेबल्स रहे, जो शूद्र रहे, वो भी बाहर रहे। बोलिए, क्या ये समय के साथ क्या हुआ, अलग अलग परिवर्तन आया। ये हम 6th century की बात कर रहे हैं और 10th century की बात कर रहे हैं। इस समय इंक्लूजन हुआ लोगों का, पहले भी एक्सक्लूजन था, यहां पे इंक्लूजन किया जाने लगा प्रयास। तो ऐसा नहीं है कि ये जो अलवर और नायनार ने पूरी क्रांति कर दी कि और सबके सब इंक्लूडेड हो गए, ये तो काफी व्यापक धर्म है ना, तो हर जगह अलग अलग प्रैक्टिसेस हुआ हर जगह, और उसके हिसाब से जैसे जैसे धीरे धीरे और समय के साथ क्या हुआ, चेंजेस हुआ। कुछ क्या कि नहीं, इसको नहीं मानेंगे, अनटचेबल्स करेंगे, और उस टाइम में भी। क्लियर? तो डिपेंड्स कि कहां कहां पे, किस किस क्षेत्र में। तो जहां नायनार्स हुए, जहां अलवार्स हुए, वो उन्होंने इंक्लूसिव किया, ये इनकी बात कर रहे हैं, पूरे धर्म की नहीं। क्लियर? सो डू यू थिंक तोंदरादिपोदी वॉज अपोज टू द कास्ट सिस्टम? तो आपको क्या दिख रहा है कि कास्ट सिस्टम को अपोज कर रहे हैं? तो एकदम क्लियर ऑपोजिशन नहीं है कास्ट सिस्टम का, ये कह रहे हैं कि जो आउटकास्ट है, यहां मेंशन भी कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये बात कर रहे हैं किस चीज की, इंक्लूसिविटी की, कि सब इंक्लूसिव है, राइट? लेकिन कंप्लीटली कास्ट सिस्टम पे तो नहीं बात कर रहे हैं कि कास्ट सिस्टम को अपोज कर रहे हैं की, बट यस टू सम एक्सटेंट वो कर रहे हैं और सबको इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं। गॉट इट? तो यहां पे हम लोग बात कर रहे थे कि बहुत सिंपल, वो सारा क्या हो गया, रिचुअल्स का पार्ट हो गया, मंदिरों में ये प्रैक्टिस होने लगा, मंदिरों में लोग पूजा करने लगे, भजन कीर्तन सब करने लगे, ये सब प्रैक्टिस शुरू हो गया। एटीट्यूड्स टुवर्ड कास्ट, सम हिस्टोरियन सजेस्ट दैट द अलवर्स एंड नायनार्स इनिशिएटेड अ मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड द डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण, और एटलीस्ट अटेम्प्टेड टू रिफॉर्म द सिस्टम। तो बहुत सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि नायनार्स और अलवार्स ने क्या किया, एक तरह से अपोज कर दिया कास्ट सिस्टम को, इसको और बाकी को इंक्लूड किया, सबको इंक्लूड किया, और कास्ट सिस्टम का विरोध किया, और ब्राह्मणों का जो डोमिनेंस है उनके डोमिनेंस को के प्रति के पर प्रहार किया, उस पर अटैक किया, कहा कि नहीं, उसको अपोज किया कि ये सही नहीं है, राइट? और फर्दर हमको क्या दिखता है, टू सम एक्सटेंट दिस इज कोरोबोरेटेड बाय द फैक्ट दैट भक्तास हेल्ड फ्रॉम डाइवर्स सोशल बैकग्राउंड रेंजिंग फ्रॉम ब्राह्मणास टू आर्टिजंस एंड कल्टिवेटर्स एंड इवन फ्रॉम कास्ट कंसिडर्ड अनटचेबल्स। तो सारे ये सही भी मालूम पड़ता है, ये हिस्टोरियंस का मानना अगर है तो गलत नहीं है, क्योंकि नायनार्स अलवार ट्रेडिशन में क्या हुआ कि सारे इसके पार्ट होते थे, ऐसा नहीं है कि एक पार्ट, सारे इसके पार्ट होते थे। तो एक तरह से मान सकते हैं कि
क्या किया गया, जो कास्ट सिस्टम को अपोज किया गया. क्लियर. द इंपॉर्टेंस ऑफ द ट्रेडिशंस ऑफ द अलवाज एंड नायनाज वाज समटाइम्स इंडिकेटेड बाय द क्लेम दैट देयर कॉम्पोजिशंस वर एज इंपॉर्टेंट एज द वेदास. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. एक और चीज देखें कि अब इन्होंने जो कॉम्पोजिशन किया, इन्होंने जो लिखा और जो कंपोज किया बोल करके भी, तो कहा कि ये वेद से कम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी उतने ही इंपॉर्टेंट है. फॉर इंस्टेंस वन ऑफ द मेजर एंथोलॉजीज, एंथोलॉजीज मीन्स कलेक्शन ऑफ कंपोजिशंस बाय द अलवाज, द नलयीरा दिव्य प्रबंधम वॉज फ्रीक्वेंटली डिस्क्राइब्ड एज द तमिल वेद. ठीक है, इसको तमिल वेद से कहते हैं कि नलयीरा दिव्य प्रबंधम, इन्होंने कहा कि ये तमिल वेद है. क्या तो इसको हाईलाइट किया गया कि हमारा जो कॉम्पोजिशन है इट इज नॉट लेस देन द कॉम्पोजिशन ऑफ वेद. क्लियर. दस क्लेमिंग दैट द टेक्स्ट वॉज द सिग्निफिकेंट एज द फोर वेदास इन संस्कृत दैट वॉज चेरिश बाय द ब्राह्मण्स. तो ये इतना महत्वपूर्ण है, इतना सिग्निफिकेंट है, जो जैसे ब्राह्मण चेरिश करते हैं चार वेदों को, तो उतना ही इंपॉर्टेंट ये भी है. क्लियर. तो यहां से हमको टेक अवे यही मिलता है कि हाँ, नयनाज और अलवाज ये दोनों, मतलब इन पंथों में क्या हुआ, इंक्लूसिविटी को लाया गया और सारी जाति इवन अनटचेबल्स जिनको कहा गया वो भी ये कर सकते थे. क्लियर. नाउ another special thing that is women devotees. ठीक है, अब यहां पे हमने जैसे सुधार देखा था, धर्म में अगर सुधार की बात करें तो धर्म में सुधार देखा था कि बुद्धिज्म के टाइम में, तो बुद्धिज्म में क्या किया हुआ, महिलाओं को भी मंक्स बनने का अधिकार मिला. तो ये सारा जो परिवर्तन और इसके बाद हम देखते हैं इस भक्ति सूफी ट्रेडिशन में कि विमेन डिवोटीज बिकेम इंपॉर्टेंट, राइट. तो perhaps one of the most striking features of these traditions was the presence of women. For instance, the composition of Andal, a woman alva, were widely sung and continue to be sung today. Andal saw herself as the beloved of Vishnu. Her verses express her love for the deity. जैसे northern tradition में हम बात करते हैं तो मीरा की बात करते हैं, ठीक है, तो उसी तरह ये southern tradition में हमको क्या मिलता है एग्जाम्पल कि विमेन डिवोटीज एंड दे वर सो डिवोटेड कि इन्होंने एक्सप्रेस किया कि सॉ हरसेल्फ एज द बिलवड ऑफ विष्णु, कि वो विष्णु की बिलवड है और डिवोटी तो वो थी ही. इस तरह से एक्सप्रेस किया और उनके वर्सेस को आज भी गाया जाता है. क्लियर. अनदर वुमन कराईकाल अमैयार, अ डिवोटी ऑफ शिव, राइट. दोनों इंपॉर्टेंट है वन मार्क क्वेश्चन के लिए आपके लिए. क्लियर, राइट. तो एक ये, हाँ बोलिए. हाँ, नाम था अंडल, नाम था. क्लियर, ठीक है. दूसरी वुमन कराईकाल अमैयार, अ डिवोटी ऑफ शिवा, एडॉप्टेड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम एसेटिज्म इन ऑर्डर टू अटेन. एसेटिज्म का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा सेल्फ डिसिप्लिन, राइट. हाँ, वैराग्य है, बहुत सिंपल कहें. और वैराग्य में क्या है, आप बहुत सेल्फ डिसिप्लिन मेंटेन कर रहे हैं, नॉट नेसेसरली कि सिर्फ वैराग्य कहें कि मेडिटेशन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, मतलब अपने आप को एकदम उसमें डुबा दिया और आपका एक सेल्फ डिसिप्लिन है मेडिटेशन का, दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एसेटिज्म. जैसे कहते हैं ना कि हाँ भाई, देवी की मूर्ति है, ये क्या है, एसेटिक फिगर है, मतलब ऐसा है कि एसेटिक फिगर है, सेल्फ डिसिप्लिन काम, इस तरह का फिगर. So asceticism in order to attain her goal, her composition were preserved with the Nayana tradition. और इनके, इनको भी देख लीजिए, यहां दिख रही है आपको, ठीक है. So her compositions were preserved with the Nayana tradition. These women renounced their social obligation, सामाजिक obligation को renounce कर दिया, मतलब त्याग दिया, छोड़ दिया. क्लियर. Their very existence and their composition pose a challenge to patriarchal norms. जो पितृसत्तात्मक norms था, जो patriarchal norms था, इस patriarchal norms को एक तरह से चुनौती दिया जा रहा है यहाँ पे जो women devotees के द्वारा. This is an excerpt from a poem by कराईकाल अमैयार.
छूट रहा है कोई? ओके फाइन, ठीक है अभी उसको कर लेते हैं फिर यहां पे आते हैं. ठीक है, कंपाइलेशंस ऑफ डिवोशनल लिटरेचर. जैसे वेदों को की भी बात करें तो वो कंपाइल हुए थे. कंपाइल का मतलब क्या होता है? उसको एक साथ हम कंपाइल कर रहे हैं, क्रिएशन नहीं. तो कंपाइलेशन ऑफ डिवोशनल लिटरेचर बाय द 10th सेंचुरी द कंपोजिशन ऑफ द 12 अल्वर्स वर कंपाइल्ड इन एंथोलॉजी नोन एज द नलयीरा दिव्य प्रबंधम. और वही 4000 सेक्रेट कॉम्पोजिशन द पोएम्स ऑफ अपर संबंदर एंड सुंदरर फॉर्म द तेवरम. ठीक है, ये तीन लोगों का था, ये तेवरम कहलाया. कलेक्शन दैट वॉज कंपाइल्ड एंड क्लासिफाइड इन द 10th सेंचुरी ऑन द बेसिस ऑफ द म्यूजिक ऑफ द सॉन्ग्स. राइट, तो ये सारा इंपॉर्टेंट कंपाइलेशन है, याद रखिएगा, नेम इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसके बारे में तो बात किए ही हम लोग कि क्या था, तमिल का तमिल वेद. राइट, सो इट इज नलयीरा दिव्य प्रबंधम 4000 सेक्रेट कॉम्पोजिशन. बहुत जो भी, जैसे जितना गीत लिखा गया, जितना भजन लिखा गया, इन सबको एक साथ कंपाइल किया गया 10th सेंचुरी में. 6th सेंचुरी से ट्रेडिशन शुरू हो गया. अब कैसे फैलता था, कोई भी चीजें कैसे रहती थी, था तो सब कुछ स्पोकन फॉर्म में. स्पोकन फॉर्म में वन ट्रेडिशन से, राइट, वन जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, इस तरह से जाता था. और बाद में जब जरूरत पड़ी तो इनको कंपाइल कर लिया गया. जैसे बुद्धिज्म में आपने देखा था त्रिपिटक लिखा गया. राइट, तो त्रिपिटक क्या किया गया, कंपाइलेशन सारे बुद्धिस्ट काउंसिल में, बुद्धिस्ट काउंसिल्स कराया गया. और काउंसिल्स में सारे मंक्स बैठते थे और जो डिसाइपल्स जो बच गए थे फर्स्ट वाले में, तो ये सारे क्या करते थे, बैठ करके कंपाइल करते थे एक साथ. तो उसी तरह कंपाइलेशन यहाँ पे 10th सेंचुरी में हुआ नलयीरा दिव्य प्रबंधम का, और अपर सबंदर संबंदर और सुंदरर को तेवरम के रूप में. ठीक है, इनके कंपाइलेशन, इनके सॉन्ग्स को. क्लियर, क्या बोल रहे हैं अभी है. नाउ दिस इज अ वर्स कंपोज बाय अपर अनायनार सेंट ओ रोग्स हु कोट द लॉ बुक्स और व्हाट यूज आर यू गोत्रा, आर यू गोत्रा एंड कुला जस्ट बो टू मर पेरूज लॉर्ड शिवा हु रिसाइड्स द मर पेरू इन तंजावुर तमिलनाडु एज योर सोल रिफ्यूज. तो यही कहा, रोग्स किसको कहेंगे, बदमाश या जो ऐसे लोग हैं. तो किसने कहा, ओ रोग्स हु कोट द लॉ बुक्स, किसने कोट किया लॉ बुक्स को. लॉ बुक्स वहां कौन से होते थे भाई, मनुस्मृति, धर्मशास्त्र, धर्म सूत्र, ये क्या था, लॉ था. राइट, नियम, नियम कानून थे. तो कहा कि किसने कोट किया, क्या जरूरत है तुम्हारे गोत्र और कुल की, बस झुको और पूजा करो किसका, मर पेरू लॉर्ड जो शिव कहां रहते हैं थंजावुर में, तो उनकी पूजा करो. ये कुल गोत्र ये सब किस काम के हैं, ये किसी काम के नहीं है. क्लियर, एंड दैट वॉज योर सोल रिफ्यूज, मतलब वही आसरा है, वहीं पे आप रिफ्यूज ले सकते हैं, शरण ले सकते हैं. रिफ्यूज यहां पे मीनिंग इज कि शरण ले सकते हैं. क्लियर, ठीक है. अब यहां पे देख लीजिए कराईकाल अमैयार को, ठीक है, दिख रहा है आपको फोटो, राइट, पिक्चर, मूर्ति, हाँ हाँ, शिव की भक्त, शिव की भक्त. ठीक है, तो नयनार थी. अब यहां पे देख लीजिए इनको, दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम अ पोएम कराईकाल अमैयार इन विच शी डिस्क्राइब्स हरसेल्फ, अपने आप को डिस्क्राइब किया है इसने, द फीमेल पे डेमोनस. ठीक है, तो अपने आप को एक तरह से इन्होंने डेमोनस बोला, डेमन मतलब राक्षस या वो, विथ बल्जिंग वेन्स, जो नसें हैं, क्योंकि ये पूजा में अपने आप को पूरी तरह से विलीन कर दी और कहा कि बल्जिंग वेन्स है, नसें बाहर, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप, इनको देखिए कि एकदम मेडिटेशन करते करते एकदम शरीर का ढांचा कुछ बस बच गया है और कुछ नहीं बच रहा है. क्लियर, इजंट इट, और तो कुछ नहीं दिख रहा है, बहुत ज्यादा बल्जिंग वेन्स, तो नसें बाहर आ जाएंगी, आंखें बाहर आ गई, प्रोट्रूडिंग आईज, ये देखिए आंखें बाहर आ रही हैं. क्लियर, व्हाइट टीथ एंड श्रंकन स्टमक, और पेट जो है सिकुड़ गया है. राइट, सीधी सी बात है, रेड हेयर्ड एंड जटिंग टीथ, और दांत भी देखिए बाहर निकला हुआ है. राइट, यहां पे देखते हैं,
तो दांत भी जटिंग टीथ है, तो पूरी तरह से वो आप डिवोट कर चुकी हैं। लेंथी शिन्स एक्सटेंडिंग टिल द एंकल्स, शिन्स क्या हुआ जो पैर के आगे का भाग हुआ, ये पार्ट देखिएगा राइट, यहां पे दिख रहा है ना, ये देखिए क्लियर, वो क्या है लेंथी स्किन्स एक्सटेंडिंग टिल द एंकल्स, और एंकल्स तक एक्सटेंड कर रहा है, इजंट इट काफी, मतलब ओवरऑल आपको यही बता रहा है कि पूरी तरह से ये डिलैपिडेटेड है, इजंट इट राइट। शाउट्स एंड वेल्स, चीख रही है, वेल का मतलब कलपना, रोना राइट, तो दैट इज वेल्स। व्हाइल वॉन्डरिंग इन द फॉरेस्ट, दिस इज द फॉरेस्ट ऑफ अलंकातु विच इज द होम ऑफ आवर फादर शिव, तो ये जो फॉरेस्ट है किसका है, किसका घर है, शिव का। हु डांसेस विथ हिज मैटेड हेयर, जो मैटेड हेयर जटा राइट, जो उलझे हुए हेयर है, थ्रोन इन ऑल एट डायरेक्शंस एंड विथ कूल लिम्स राइट, जो आठ डायरेक्शन में, ठीक है, विथ हिज मैटेड हेयर थ्रोन इन ऑल एट डायरेक्शन, सारे डायरेक्शन में विथ कूल लिम्स राइट। तो शिव जो तांडव करते हैं या शिव जो डांस कर रहे हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। होम ऑफ आवर फादर हु डांसेस विथ हिज मैटेड हेयर थ्रोन इन ऑल, सारे डायरेक्शन में है, क्लियर। ये क्या, हाँ तपस्या कर करके अपने आप को मतलब शिव में डुबा करके ये हाल कर ली, मतलब खराब नहीं, इट्स गुड राइट। क्या क्या हुआ, आठों दिशाओं में, जैसे नॉर्थ है नॉर्थ ईस्ट, ठीक, नॉर्थ है नॉर्थ ईस्ट एंड देयर आफ्टर ईस्ट राइट, तो बीच नॉर्थ हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, ईस्ट हो गया राइट, साउथ हो गया, साउथ ईस्ट हो गया राइट, ये आपका साउथ वेस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये नॉर्थ वेस्ट हो गया राइट, आठ डायरेक्शन हो गया, इजंट इट क्लियर है, जो एट डायरेक्शंस हैं तो आठों डायरेक्शन यही हुआ क्लियर, ये तो चार हो गया ना, चारों दिशाएं, और वो मतलब सीधे कहा गया कि सारे सारे लोकों में हर तरह से हर एक दिशाओं में क्लियर, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं, लिस्ट द वेज इन विच कराईकल अमैया डिपिक्ट्स हरसेल्फ एज प्रेजेंटिंग अ कॉन्ट्रास्ट टू ट्रेडिशनल नोशंस ऑफ फेमिनिन ब्यूटी, तो नॉर्मल जो फेमिनिन ब्यूटी है उससे कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है यहां पे, कंप्लीटली ऑपोजिट कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, हो गया ठीक है, नेक्स्ट क्लास में करेंगे।